दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका घर इंटीरियर में। ये जो टेबल आप देख रहे हैं इसके ऊपर हम करेंगे पॉलिस्टर भी हम स्प्रे से नहीं करने वाले हैं। आज आप एक नई टेक्निक देखेंगे, जिन लोगों को आता है उनको तो पता होगा, मगर आज मैं आपको भी ये दिखाना चाहता हूँ, आप भी देखेंगे किस तरह से इस पर पॉलिश होती है। अभी इस पर हमने जो किया है मैं आपको बता देता हूँ, हमने इस पर एक मेटल का स्टिक है उसको इनले किया है, उसको इसमें लगाया है और नीचे से हमने पूरा वुड है, ये वुड की टेबल है, नीचे से पैक की है और ऊपर से हमने ग्रे बेस कोट डाला है। तो इतना तो आपको आइडिया ही है, पता ही है बेस कोट तक। तो उसके आगे हम देखते हैं, अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो हमने इसके ऊपर ब्लैक दो टॉप कोट डाल दी और जो इसका हमने इसमें कॉपर की स्टिक लगाई थी उसको हमने साफ़ कर लिया, हटा दिया है उसके ऊपर जितना भी मटेरियल था। पॉलिएस्टर को दिखाने का मेन मकसद है कि पॉलिएस्टर कैसे हो सकता है और उसमें कितनी चमक शीन कैसी आती है डाइनिंग टेबल पर, वो दिखाने का मकसद है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ब्लैक कलर डालने के बाद हमने सैंडिंग कर ली है अच्छे से। सैंडिंग जब आप करें तो देख लें उसमें जाल वाल ना हो, कोई सैंडिंग ऐसा ना हो कि सैंडिंग प्रॉपर नहीं हुई हो, तो सैंडिंग प्रॉपर होनी चाहिए। उसके बाद जब सैंडिंग प्रॉपर हो जाए, स्मूथ हो जाए, अच्छे से चेक कर लें आप, थिनर विनर से साफ़ कर लें, करके देख लें, फिर उसके बाद जो कलर मैचिंग करनी है आपको। कलर मैचिंग कैसे होती है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप ये देख रहे हैं ये कलर मैचिंग है हमारी, इसमें जो हमने स्टिक लगा रखी है कॉपर या मेटल वाली, इसके साइडों में क्योंकि वहाँ पर जॉइंट है, एक ग्रूव है हल्का सा, मतलब ग्रू इन द सेंस कि जब हम लगाते हैं तो एक लकड़ी वुड और मेटल के बीच में थोड़ा सा गैप आता है, तो उस गैप में कई बार जब हम इसको जो मेटल का ऊपर जो मटेरियल था उसको जब हम उतार रहे थे तो साइड में हल्की हल्की सी खुल जाती है वो, तो वहाँ पर हमें ब्लैक कलर फिर से लगाना होता है। ये आप कैसे लगा सकते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। उसी पीयू को जो आपने इसके ऊपर डाला है उसी पीयू को ले लीजिए, थिनर और हार्डनर उसमें डाल लीजिए, बहुत मोटा भी नहीं होना चाहिए मटेरियल, और उसके ऊपर ब्रश से लगा दें। जब हम उसको ब्रश से लगाएंगे तो वो उसके ऊपर रुक जाएगा और आपको ये पूरा चेक करना है सारा, कहीं पर भी ये रहना नहीं चाहिए क्योंकि जब हम इसके ऊपर पॉलिएस्टर डाल देंगे फिर इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे, फिर तो वो दिखता ही रहेगा, इसलिए आप इसको अच्छे से रिपेयर कर लें प्रॉपर से। अब हम इसके ऊपर डालेंगे इपॉक्सी। अब अगर आप देखेंगे तो ये है रेजिन, यानी कि हम इपॉक्सी डालेंगे तो ये उसका रेजिन है इपॉक्सी का। इस रेजिन को लेंगे और इस हार्डनर को लेंगे, दोनों को हम 50-50% मिलाएंगे और 50% मिला के हम उसको अप्लाई करेंगे। इस पूरी टेबल पर हमें बस एक हाथ मारना है, एक हाथ मार देंगे हम दोनों को मिक्स करके। अभी आप देखेंगे मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से इसको लगाया जाता है, कैसे मारना होता है इसको। तो आप दोनों को बराबर मात्रा में मिला लें। अगर आप मशीन से स्प्रे करें इपॉक्सी को तो आप थोड़ा सा थिनर भी डाल सकते हैं, अदरवाइज़ आपको थिनर की ज़रूरत नहीं है, आप इसको मिक्स करिए और हाथ से लगा दीजिए और उसके ऊपर पॉलिएस्टर डाल दीजिए, इतना ही काफ़ी होता है क्योंकि इपॉक्सी से कई बार पिनहोल बन जाते हैं, वो उसका आपको बहुत ध्यान रखना है। और यहाँ पर देखिए फर्श हमारा जो है उसको हम थोड़ा सा गीला कर रहे हैं, उसकी वजह यह है कि जो डस्ट आता है वो डस्ट टेबल के ऊपर ना आए, इसलिए हम इसको गीला कर रहे हैं। अगर वॉल्स भी हैं आपके आसपास तो आप वॉल्स भी करें, हमारी वॉल्स एक तो डिस्टेंस पे हैं, दूसरा उस पर उतना डस्ट नहीं है, हम क्लीन करते रहते हैं इसलिए हमें कोई इशू नहीं है उसमें, हम फ्लोर पर ही पानी डाल रहे हैं और दूसरा हम स्प्रे भी नहीं कर रहे हैं, बस हम इपॉक्सी को स्प्रे करेंगे। जब आपका ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा होता है तब आपको लेबलिंग भी करना ज़रूरी होता है, आपको लेबल करना चाहिए ताकि आप जब आप स्प्रे कर रहे हैं तब भी आपको नीड होती है। स्प्रे में तो एक बार चल भी जाता है लेकिन अगर आप ऊपर से डाल रहे हैं तब आपको करना ही पड़ेगा लेबल, नहीं तो आपका मटेरियल एक साइड चला जाएगा और एक साइड से रुक जाएगा तो ऊंचा नीचा होने का ख़तरा रहता है, इसलिए आपको इसके ऊपर ज़रूर से लेबल करना चाहिए जैसे हम लेबल कर रहे हैं। इस लेबल करने के बाद जब हम इसके ऊपर मटेरियल डालेंगे तो वो परफेक्ट आएगा, ये अगर आप देखें तो बिल्कुल लेबल हमारा परफेक्ट है। जहाँ से इसमें हमें कोई समस्या नज़र आएगी वहाँ पर हम इसके ऊपर थोड़ा सा पैकिंग ज़रूर लगाएंगे ताकि इसका मटेरियल जो इसका लेबल है वो प्रॉपर हो जाए। एक्यूरेसी के लिए ज़रूरी है कि आप लेबलिंग कर लें। यहाँ पर देखिए कुछ प्रॉब्लम थी तो हमने उसके नीचे पैकिंग लगाई ताकि हमारा जो लेबल है वो परफेक्ट हो जाए, सही हो जाए, इसलिए आप लेबल कर सकते हैं, करना ही चाहिए आपको। लेबल अच्छा होगा तो फिनिशिंग अच्छी आएगी, एक जैसा माल पड़ेगा, अगर माल ऊंचा नीचा पड़ेगा तो उसमें इतनी फिनिशिंग नहीं आएगी। देखने में भी ऐसा नहीं है कि ट्रांसपेरेंट अगर होता है तो उसमें पता नहीं लगता है, बिल्कुल पता लगता है जब आप लेबल आपका सही नहीं होगा, मटेरियल कहीं ज़्यादा होगा कहीं कम होगा तो बिल्कुल पता लगेगा कि यहाँ पर मटेरियल ज़्यादा है क्योंकि वो थिक अलग से मोटा सा नज़र आएगा, और अगर थिक नहीं होगा तो बारीक यानी पतला जो मटेरियल होता है वो अलग से ही नज़र आता है। तो आपको अच्छा है आपके लिए आप लेबल करें और मटेरियल एक जैसा डालें, ये बहुत ज़रूरी बात है।
यहाँ पर भी कुछ प्रॉब्लम थी तो हम यहाँ पर भी ठीक कर रहे हैं पैकिंग को। तो आप भी इसी तरह से करें ज़रूर से, ये छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है, आप ये ले आएँ। लेबलिंग करने के बाद अब हम इसकी सफाई करेंगे। सफाई करने के साथ साथ हम इसमें फिर इसके बाद ही हम इसके ऊपर इपॉक्सी डालेंगे। एयर का प्रेशर है जो हम लगा रहे हैं, आप देख रहे हैं एयर का प्रेशर है जो धूल मिट्टी होती है उसको हटा देता है, क्योंकि जब प्रेशर से हवा पड़ती है तो धूल मिट्टी उड़ जाती है, निकल जाती है। आप अपनी ये काम हम तो डायरेक्ट कर रहे हैं, आप स्प्रे से अपनी जो आपकी स्प्रे गन है उससे भी कर सकते हैं। हवा का प्रेशर जब कम प्रेशर देने लगे तो आप उसको एक बार चला दीजिए सारे में, ताकि आपका जो डस्ट वस्ट है वो सब उड़ जाए साफ और आपका ऑब्जेक्ट साफ हो जाए, बिल्कुल क्लीन हो जाए, ताकि आपका जो मटेरियल उसके ऊपर डलेगा और उस पर जो आउटपुट आएगी वो अच्छी आए। नहीं तो पॉलिस्टर में ये होता है कि अगर आपने डाल दिया और डस्ट नीचे रह गया तो वो नीचे रह ही जाता है, फिर आपको उसे एक तरह से खोद के निकालना पड़ता है। जब खोद के निकालेंगे तो दोबारा से उसमें आप इपॉक्सी आपको जैसे मैंने बताया बराबर मात्रा में लेनी है, बराबर मात्रा में इपॉक्सी ले लीजिए और उसके ऊपर स्प्रे कर दीजिए। पॉलिस्टर के लिए इपॉक्सी बहुत ज़रूरी होती है, अगर आप इपॉक्सी नहीं लगाते हैं तो डेफिनेटली वो बहुत गलत बात है। आपको इपॉक्सी लगाना है ताकि इसकी बाउंडिंग प्रॉपर हो और वो काम सही से करे। पॉलिस्टर तभी काम सही करता है जब इपॉक्सी के साथ उसकी बाउंडिंग होती है। और इपॉक्सी का तो आपको पता तो है ही कि इपॉक्सी, खैर हमने पहले भी लगाया था जो ब्लैंक था तब सबसे पहले हम इपॉक्सी लगाते हैं सैंडिंग के बाद। ये इतना मटेरियल हमने इसमें लिया है और ये काफ़ी है इस मटेरियल के लिए, क्योंकि वुड के लिए इपॉक्सी जो लगाया था हमने वो तो नीचे लगा रखा है। अभी जो इपॉक्सी लगा रहे हैं हम वो पॉलिस्टर के लिए लगा रहे हैं उसकी बाउंडिंग के लिए, उसमें एक हाथ काफ़ी रहेगा, एक हाथ डालेंगे हम और दैट्स इट, हो जाएगा बस। स्प्रे करने से पहले आप अपनी इस मशीन को चेक कर लें, उसका प्रॉपर फ्लो है कि नहीं है, उसके एयर प्रेशर कितना है, मटेरियल कितना बाहर आ रहा है। अगर आपको ऐसे हवा में डाल के पता नहीं लग रहा है तो आप किसी ऑब्जेक्ट पर, किसी लकड़ी पे या किसी फर्नीचर पे डाल सकते हैं जो बेकार पड़ा हो। आपका प्रेशर सही होना चाहिए, एयर का फ्लो सही होना चाहिए, कोई डस्ट ना हो, आपका नोज़ल साफ़ होना चाहिए। हमने अभी थोड़ी देर पहले साफ़ की थी इसलिए हमें इसको ज़्यादा चेक करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। अगर आप कंटिन्यू काम करते रहते हैं तो आपका ये जो नोज़ल है वो बंद नहीं होता और सफाई प्रॉपर करवाते रहते हैं तो, लेकिन अगर रख देते हैं कोई स्प्रे गन है वो पड़ी है रखी है तो उसमें फिर खतरा रहता है अब आने का डस्ट वगैरह। इस तरह से आप इसको स्प्रे कर सकते हैं, बिल्कुल जैसे हम आप देख रहे हैं हम इसी तरह से, हमारा इतना ही प्रेशर होना चाहिए, आपका भी इतना ही प्रेशर होना चाहिए, इतना ही एयर का फ्लो होना चाहिए ताकि ये अच्छे से इसके ऊपर आ जाए। बस हम ये एक हाथ लगाएंगे जैसे कि मैंने आपको बताया, बार बार दो तीन हाथ नहीं लगाएंगे। इपॉक्सी हम नीचे लगा चुके थे, अब ये बस एक इपॉक्सी हमने इसके ऊपर डाला है, वो इसलिए कि इसका जो बाउंडिंग है वो प्रॉपर हो जाए। अब ये थोड़ा सा हम इसको सूखने देते हैं, उसके बाद हम इसकी पैकिंग करेंगे। पैकिंग मतलब कि जब हम इसके ऊपर मटेरियल डालेंगे पॉलिएस्टर का तो वो बह के नीचे ना आ जाए, इसलिए हमें वो पैकिंग करनी होती है। यहाँ पर हम लोग पैकिंग कर रहे हैं जैसे आप देख रहे हैं, इस तरह से आप इसकी पैकिंग कर लें। अगर आपको लगता है कि मटेरियल इतना हैवी हो जाएगा और बाहर की तरफ निकल जाएगा टेप को फाड़ के, टेप को हटा के, तो आप डबल टेप भी लगा सकते हैं। इपॉक्सी में आप टेप नहीं लगा सकते, उसमें आपको अगर कोई छोटा सा ऑब्जेक्ट है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर बड़ा आप टेबल पे इपॉक्सी डालते हैं तब आपको ज़रूरी है कि आप वुडन की उसके ऊपर वुडन की चारों तरफ स्टिक लगाएं और उसके बाद उसका फ्लो ठीक रखें और उसके बाद उसके ऊपर मटेरियल डालें, ताकि जो आपका मटेरियल है वो साइडों से बह के नीचे ना आ जाए। हम तो इसमें टेप ही लगा रहे हैं, टेप इसलिए क्योंकि पॉलिएस्टर है, पॉलिएस्टर इतना भी हार्ड नहीं होता कि वो टूट के बाहर निकल जाए या बाहर नहीं निकलता पॉलिएस्टर, क्योंकि हम उतना ही डालेंगे बहुत ज़्यादा, हमें इसमें ऐसा नहीं है कि उसको हमने एक इंच का डालना है, एक इंच का डालेंगे तो वो चटक जाएगा, ख़राब हो जाएगा पॉलिएस्टर। ज़्यादा थिकनेस चाहिए होती है तो हमें इपॉक्सी ही की ही नीड होती है, हम इपॉक्सी ही लेते हैं। ये अगर आप देख रहे हैं तो हम इसके ऊपर टेप लगा रहे हैं बहुत अच्छे से, आपको भी इसी तरह से टेप लगानी है। बेस, जब आप बेस बनाएं तो बेस का ध्यान रखें, बेस में कोई दाग धब्बा ना हो, अगर दाग धब्बा होता है तो फिर वो नज़र आता है, विजिबल होता है बाद में। और हमारी टेबल में लास्ट में जब हम बफिंग करेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें कोई दाग धब्बा कुछ भी नहीं है, बहुत ही परफेक्ट इसकी आउटपुट आएगी। क्योंकि हम लोग कई बार इसको, हमारा तो एक्चुअली रोज़ का काम है, हम लोग करते रहते हैं तो हमें तो आइडिया है। आप जब इस टेबल वेबल कोई बनाएं, अगर आप नहीं जानते तो, अगर सीख रहे हैं, और अगर आप सीख चुके हैं करते हैं तो फिर आपको बताने की ज़रूरत है ही नहीं, आप तो खुद से एक्सपर्ट हैं। तो
इस टेप को आप लगा लें जहाँ ज़रूरत हो वहाँ डबल लगा लें। अगर आप हमारी टेबल देखेंगे तो इसमें आपको कहीं पर भी कुछ ऐसा नज़र नहीं आएगा। इपॉक्सी के बाद भी इसमें बिल्कुल स्मूथ सरफेस है। अब हम इसकी सैंडिंग नहीं करने लगे हैं, यहाँ पर देखिए हम डबल टेप लगा रहे हैं, इसकी हम सैंडिंग नहीं करने लगे हैं, हम सिर्फ इसके ऊपर अब पॉलिस्टर डाल देंगे, क्योंकि हमने इसको एक डेढ़ घंटे के लिए नहीं छोड़ा है, हमने इसको 5-7-10 मिनट के लिए छोड़ा था बस, ताकि वो हल्का सा ड्राई हो जाए और बाउंडिंग उसकी पॉलिस्टर के साथ बढ़िया हो जाए, बस दैट्स इट। इसके बाद अब हम इसके ऊपर पॉलिस्टर डायरेक्ट डालेंगे, कैसे डालेंगे वो भी दिखाऊंगा, और उसको सूखने के बाद कैसा अजीब सा हो जाता है वो भी दिखाऊंगा, और सैंडिंग जब होती है और कितना गुबार उड़ता है और कितना इसका डस्ट उड़ता है ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। वीडियो को आप पूरा देखते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे से नॉलेज मिलती है, ज़्यादा अच्छे से ज्ञान हो जाता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको नहीं पता चलती हैं अगर आप वीडियो को स्किप कर देते हैं या बीच में छोड़ देते हैं। अगर आप हमारी वीडियो देखते हैं या कभी कभी आते हैं तो ज़रूर से हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जब भी हम वीडियो डालें, यहाँ पर हम पूरी वीडियो डालते हैं और दूसरी वीडियो भी डालते हैं फर्नीचर से रिलेटेड भी, तो आपको इस चैनल पर अच्छा खासा ज्ञान होगा अगर आप इस चैनल पर आते हैं और इसको सब्सक्राइब करते हैं तो। और सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको इस चैनल की जो नोटिफिकेशन है वीडियो की वो मिलेगी और तभी आप उसको देख पाएंगे। अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ आपको मैं आपको मटेरियल दिखाऊंगा, मटेरियल आप देखिए किस तरह का मटेरियल होता है पॉलिएस्टर का। ये पॉलिएस्टर का क्लियर टॉप है जो 5.2 केजी में है, सिरका का सारा मटेरियल है। ये है रेजिन और ये है इसका हार्डनर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये इसका हार्डनर है और इसमें एस्कुलेटर हमने डाला हुआ है। एस्कुलेटर भी मैं आपको दिखा देता हूँ वो कैसा होता है। ये तो हार्डनर है, हम इसको इसके अंदर डाल लेते हैं। ये सिरका का पॉलिएस्टर है, ये इसका एस्कुलेटर है जो इसके साथ आता है, हमने पहले से डाला हुआ है। अब हम इसके अंदर हार्डनर भी मिक्स करेंगे और इसको भी मिक्स करेंगे सारा। हम ये बड़ी सी कैन है जो आप सामने देख रहे हैं खाली, इसके अंदर हम इसको डाल रहे हैं। इसकी वजह यह है कि जब हमें एक साथ हार्डनर मिलाना है इसमें और एक साथ उसके ऊपर टेबल के ऊपर डालना है, तो हम स्प्रे से तो डाल नहीं रहे हैं कि हम थोड़ा थोड़ा मटेरियल बनाएंगे। जब हम सारा एक साथ डाल रहे हैं तो हम डेफिनेटली उसको जो उसका मटेरियल है वो एक साथ से डाल देंगे और इसमें हार्डनर भी एक साथ ही डाल देंगे ताकि हम उसको मिक्स करके अच्छे से मार सकें। अब हम इसके अंदर पलट लेते हैं। ये 5 लीटर की कैन है जो आप देख रहे हैं और अगर हमें ज़रूरत पड़ा तो हम बाद में दूसरा भी लेंगे, क्योंकि टेबल बड़ी है इसलिए हमें बाद में भी लेना होगा, ज़्यादा मटेरियल उसमें लगेगा। फिलहाल ये लेते हैं, थोड़ा सा दूसरे डब्बे में से निकालेंगे ताकि जितना ये कैन सामने आप देख रहे हैं ये 7 लीटर की है तो ये तो कम से कम पूरी भर ही लेंगे। इसमें हार्डनर डालेंगे और थोड़ा सा और मटेरियल डालेंगे। ये जो आप इसमें नीलापन दिख रहे हैं वैसे ये क्लियर है बिल्कुल, आपको अगर क्लियर वीनियर वगैरह पे करना है तो आप कर सकते हैं बिना किसी टेंशन के, ये क्लियर ही होता है। जो आप ये इसका नीलापन देख रहे हैं ये थोड़ा एस्कुलेटर की वजह से होता है, तो इसमें कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप ले सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं, इससे कोई नीलापन नहीं आने वाला। हल्का फुल्का सा तो आएगा, जो नीलापन नहीं दिखता है बेसिकली वो आपका जो टेबल जिसके ऊपर आप कर रहे हैं, टेबल कर रहे हैं या फर्नीचर जो भी कर रहे हैं उसके ऊपर जब आप इसको करते हैं तो ये उसी का कलर ले लेता है, बिल्कुल हल्का सा स्लाइडली फर्क पड़ता है जो आपको फील भी नहीं होगा। क्योंकि वीनियर के ऊपर जब हम करते हैं तो या टीक के ऊपर करते हैं तो टीक में अपना येलोइश कलर होता है, ब्लैकिश कलर होता है, रेड टोन होती है, तो जो भी टोन होती है उसकी वो उसी में ये कलर भी उसमें मिक्स हो जाता है, मर्ज हो जाता है। ये अपना खुद अपने से कोई कलर नहीं देता है, बहुत ही माइनर सा कलर आता है जो नहीं पता लगता है। वैसे हमें तो ये ब्लैक टॉप के ऊपर करना है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है इसके ब्लूपन से, मतलब जो ब्लू इसका ब्लूइश कलर है जो इसके अंदर उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो ब्लैक ही रहेगा हमारा, ये क्लियर ही है बेसिकली। जब बहुत ज़्यादा थिक, क्योंकि जब हम इसको डालते हैं तो बहुत थिन डालते हैं, मतलब इतना मोटा नहीं डालते, 1-1.5 इंच का नहीं डालते कि उसका ब्लैक उसका ब्लूपन झलके, तो इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं है इससे, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होती क्योंकि बहुत पतली लेयर डालते हैं। जो आइका का आता है वो तो इससे भी ज़्यादा ब्लू हो जाता है। ये सिरका का है, अच्छा मटेरियल है, सिरका का भी आइका का भी अच्छा है, दोनों मटेरियल अच्छे हैं, सभी के अच्छे हैं, तो आप किसी का भी चूज़ कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। अब इसके अंदर हमने ये इसको मिक्स कर लिया है, अगर आप देख लें जैसे इसके अंदर कुछ पड़ा है तो हमने वो निकाल दिया, हालांकि हम तो इसको छानने वाले हैं, इसके ऊपर हम कपड़ा लगाएंगे, कपड़ा से जब डालेंगे तो वो छन जाएगा अपने आप, तो कैसे लगाएंगे वो भी अभी मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें हमने डाल लिया है, अब हम इसके अंदर थोड़ा सा हार्डनर डाल लेते हैं, थोड़ा सा मतलब जितना ज़रूरत है 2% डालते हैं हम लोग, आप जितना कंपनी आपको बताए, जिस कंपनी से आप खरीदेंगे वो कंपनी आपको बताएगी आपको कितना डालना है, वैसे 2% ही डलता है जनरली, तो हमने 2% इसके अंदर हार्डनर डालना है और उसको अच्छे से मिक्स करके इसके ऊपर कपड़ा बांध लेंगे और फिर इसको हम टेबल के ऊपर डालेंगे। कैसे डालेंगे अभी मैं आपको दिखाऊंगा।
और फिर सैंडिंग और बफिंग करके भी दिखाऊंगा। जैसे कि आपने देखा था, हमने इपॉक्सी डाल दिया था। इपॉक्सी के बाद ये पॉलिस्टर की तैयारी है। अब पॉलिस्टर हम डालेंगे। मैं आपको पहले वो टेबल दिखा देता हूँ, जो टेबल ये देखिए, ये वो टेबल है जिसके ऊपर हमने पॉलिस्टर डालना है। इपॉक्सी हम डाल चुके हैं, ये पूरा ब्लैकिश और हल्की सी इसमें शीन है। अभी ये पूरी तरह सूखा नहीं है और पूरी तरह सुखाना भी नहीं है। पूरी तरह सुखा देंगे तो फिर उसे सैंडिंग करनी पड़ेगी। ये हार्डनर है, हार्डनर हम इसके अंदर डालेंगे, पूरा का पूरा इसमें डाल देंगे और फिर थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी डालेंगे, क्योंकि 2% हार्डनर डालना होता है, वो उतना जाना ही चाहिए। लेकिन जब आप लोग करें तो याद रखें कि आपको हार्डनर थोड़ा सा कम रखना है। अगर हार्डनर बहुत ज़्यादा डाल देंगे तो आपसे वो चटक भी सकता है, और अगर आपको उसमें डालने में, टेबल टॉप के ऊपर डालने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया तो वो सेट होने लगेगा बहुत जल्दी से। पॉलिस्टर बहुत ज़्यादा टाइम आपको नहीं देता है हार्डनर मिलाने के बाद। अभी हार्डनर आपने मिला दिया, आप उसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब जब अच्छे से ये मिक्स हो जाएगा तो बस ये जमना शुरू हो जाएगा। आपको इसको ज़्यादा देर तक नहीं रखना है, बस तुरंत से इसको डालना है। लेकिन अच्छी तरह से ज़रूर मिला लीजिए, क्योंकि थोड़ा सा हार्डनर होता है और मटेरियल काफ़ी ज़्यादा होता है, तो उसको आपको मिलाना पड़ेगा अच्छे से। अगर आप स्प्रे गन से कर रहे हैं जैसे मैंने भी बताया था, तो आपको थोड़ा थोड़ा मटेरियल बनाना है, इतना ज़्यादा नहीं बनाना। इतना ज़्यादा बना दिया तो वो यहीं डब्बे में ही जम जाएगा। अब हम इसके ऊपर ये कपड़ा डालेंगे, थोड़ी सी नोक बना लेंगे ताकि ये पॉलिस्टर हमारी टेबल टॉप के ऊपर अच्छे से गिर सके। और कपड़ा आप जैसे हमने लिया है, थोड़ा सा बड़ा है, इससे हमें दिक्कत हुई थी। आप हमेशा छोटा कपड़ा लें, ज़्यादा बड़ा कपड़ा ना लें, बिल्कुल छोटा, जैसे ऊपर टॉप टॉप पे आ जाए। अगर आप भी इसी तरह से मटेरियल अप्लाई कर रहे हैं तो मशीन से कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, स्प्रे से तो आप कर ही सकते हैं। तो इस तरह से मैं इसको बांध लूँगा और इसको साफ़ कर लेंगे अच्छी तरह से। जो इसका नीचे का हिस्सा है वो भी हमें साफ़ करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमने वो साफ़ नहीं करा तो उसके ऊपर डस्ट आने का खतरा रहेगा, डस्ट गिर जाएगा तो दिक्कत होगी। अब ये देखिए, जैसे हमने ये साफ़ किया है अच्छे से, इसको साफ़ करके अब हम इसको डालेंगे टेबल के ऊपर, यानी कि हमारा ये पॉलिस्टर है जो आप देख रहे हैं। इस वीडियो में आप पूरा प्रोसेस देखेंगे। अगर आपको और वीडियो भी पॉलिश के बारे में देखनी है तो आप घर पेंटिंग चैनल पर जा सकते हैं, वहाँ पर देख सकते हैं। घर पेंटिंग लिखेंगे तो सारी वीडियो आ जाएंगी घर पेंटिंग की, और पॉलिस्टर पॉलिश भी लिखेंगे तो भी घर पेंटिंग की पॉलिश वीडियोज़ आ जाएंगी। इस तरह से आपको डालना है जैसे हम लोग डाल रहे हैं। बस आपको समय का ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा समय इसमें आपको नहीं मिलेगा, बहुत कम समय मिलेगा। आपको डालना है और इस तरह से डालना है कि चारों तरफ अच्छे से आ जाए, हर जगह वो कोने में और साइडों में हर जगह पहुंच जाए। ऐसा ना हो कि कोई जगह खाली रह जाए। जैसे अभी हम लोग ये डाल रहे हैं वैसे ही आपको डालना है, सारे में फैला दें और सेम बराबर क्वान्टिटी में डालें। क्योंकि अगर आपने डाल दिया और फिर इसको मूव किया तो उतना टाइम आपको नहीं मिलेगा बड़ी टेबल पर, वो सेट होना शुरू हो जाएगा। ये बहुत जल्दी सेट होता है, क्योंकि इसका हार्डनर बहुत ही फास्ट, मतलब हार्ड है और वो जल्दी से उसको ड्राई कर देता है, और इसमें से हीट बहुत ज़्यादा निकलती है। जैसे अभी हम डाल देंगे तो इसका हीट निकलने लगेगी, बहुत ज़्यादा हीट निकलती है इसमें से। जब आप इस तरह से डालें तो ध्यान रखें कि हीट भी निकलेगी, क्योंकि अगर आप स्प्रे कर रहे हैं उसमें इतना नहीं पता चलता है, क्योंकि छोटी छोटी लेयर डलती है, थोड़ी थोड़ी लेयर डलती है, उसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है। जब आप इस तरह से डालेंगे तो एक लेयर बनेगी, मोटी लेयर बनेगी, यानी कि आप ये समझ लीजिए जो 8 से 10 कोट है वो एक साथ हम इसके ऊपर डाल रहे हैं। जब एक साथ डालेंगे तो ये डेफिनेटली हीट बहुत पैदा करेगा, और जब हीट पैदा करेगा तो फिर इसका ध्यान आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि जो नीचे का बेस है वो भी इस लायक होना चाहिए कि उसे झेल सके। हमने इपॉक्सी डाली थी इसके नीचे, आपको भी इपॉक्सी लगानी है। इस तरह से हमने इसके ऊपर सारे में डाल दिया। अभी बीच में थोड़ी सी जगह मुझे खाली लग रही है, जैसे आप यहाँ देखेंगे कॉर्नर में, यहाँ पर भी पूरे अच्छे से हमने इसको डाला है, हर जगह ये पहुँच चुका है मटेरियल। बीच सेंटर में थोड़ा सा रहता है, मैं उस पर भी अभी आपको दिखाऊँगा, उस पर भी हम डालेंगे अभी। तो इस तरह से आपको सारा एक लेबल, ये एक जैसा मटेरियल इसलिए पड़ा है क्योंकि हमने इसका लेबल किया था। अगर हम लेबल नहीं करेंगे तो फिर इसमें दिक्कत आएगी, वो हम नहीं उसको कर पाएंगे। तो हमेशा आप लेबल ज़रूर करें ध्यान से। ये देखिए, आप इस तरह से अगर देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि हाँ, ये बिल्कुल ठीक से हो रखा है। जितनी ये शीन आपको इसमें दिख रही है अभी, तो देखिए मैं बोल रहा था आपसे सेंटर में वो जगह खाली है हमारी, उस पर हम दोबारा से डालेंगे। जितनी शीन आपको इसमें दिख रही है सैंडिंग बफिंग के बाद, इससे भी ज़्यादा इसमें चमक आ जाएगी। बहुत ज़्यादा चमक होती है इसके अंदर, जो पॉलिस्टर होता है, और इसकी थिकनेस भी होती है। जब थिकनेस होती है तो वो देखने में अच्छा लगता है, सुंदर लगता है, क्योंकि मोटा मटेरियल होता है, ज़्यादा मटेरियल होता है, थिक होता है, तो देखने में बड़ा अच्छा लगता है। और जैसे अभी आपको लग रहा है ये देखने में, लुकिंग जैसे लुकिंग मिरर ये बन गया हो, सैंडिंग बफिंग के बाद ये बिल्कुल ऐसा ही बन जाएगा जैसा आप देख रहे हैं।
तो इस तरह से धीरे धीरे करके आप डालें, हम जैसे डाल रहे हैं वैसे ही आपको डालना है, धीरे धीरे से करके, इकट्ठा नहीं डालना है, एक ही जगह नहीं डालना है, सारे में फैला के डालना है ताकि हर जगह हर कोने पर पहुँचे। अगर मैं आपको, आप देख रहे हो तो इसमें हल्की सी सेटिंग जो पहले डाला है उसमें सेट होना शुरू हो गया है वो, और अभी ये 5-7-10 मिनट में बिल्कुल ही सेट हो जाएगा। और लेकिन इतना सेट नहीं होता है कि आप इसकी सैंडिंग करने लगे, सूख तो जाता है लेकिन वो ड्राई हो जाता है बस, बेसिकली इतना नहीं सूखता कि आप उसकी सैंडिंग कर सके। सैंडिंग के लिए आपको इसको छोड़ना पड़ेगा कम से कम 48 घंटे, इससे ज़्यादा छोड़ें तो वो भी बेटर है, जितना ज़्यादा छोड़ दें मीन्स वो उतना ज़्यादा अच्छा है, 48 घंटे तो छोड़ना ही है। और जब भी आप इसकी सैंडिंग करेंगे तो इसका बुरादा जो उड़ेगा, इसका जो पाउडर बन के उड़ेगा वो बहुत ज़्यादा होगा, तो जो आपको परेशान भी कर सकता है। तो आप उसके लिए अपना फेस और अपने सर को ढक के रखें, आईज़ पे अगर हो सके तो ग्लास पहन ले, या कोई भी आप ग्लास ले लें, एक थोड़ी देर के लिए पहन ले ताकि आंखें आपकी सेफ्टी, क्योंकि ज़रूरी होती है आपकी आंखें सेफ रहेंगी। और मास्क वगैरह पहन ले, हम जब करेंगे तो कपड़ा वगैरह लगा के करेंगे ताकि थोड़ा भी मटेरियल है जो वो हमारे अंदर ना जाए पाउडर। तो आप इसको जैसे आप देख रहे हैं इस तरह से देखिए, अगर आप अब देखेंगे तो ये हल्का हल्का सा सेट होना शुरू हो गया है, बस ये थोड़ा थोड़ा करके एकदम से, बस ये धीरे धीरे सेट हो जाएगा इसी तरह से। अब अगर हमारा, देखिए हमारा काम ये इसमें हो चुका है पूरा, अब हमें इसे सूखने के लिए छोड़ना है। इसी तरह से पॉलिएस्टर किया जाता है और इसी तरह से होता है, अगर आपको करना है तो आप भी कर सकते हैं इसी तरह से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं आती। बस ये आपको ध्यान रखना है, जो बेस है बेस आपको अच्छे से रखना है, उस पर कोई निशान ना हो, कोई दाग धब्बा कुछ ना हो, थिकनेस भी उसकी, और उस पर जो आपने जो भी मटेरियल अप्लाई किया हो वो एक जैसा पड़ा हो, उसकी सैंडिंग जब आप करें वो प्रॉपर से करें। तो ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है तभी आप पॉलिएस्टर को इस तरह से डाल पाएंगे। अगर आपको डाउटफुल लगता है, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप जब भी डालें तो पहले एक सैंपल बना के देख लें। उसके बाद आप डालने की कोशिश करें। यहाँ देखिए ये पूरी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है, हमने फिंगर लगा के भी देखा, और इसकी जो शीन है वो देखिए मैट में तब्दील होने लगी है, धीरे धीरे ये मैट हो जाएगा पूरा। देखिए अब उतना नहीं चमक रहा है जितना हमने मटेरियल डाला था, तब चमक रहा था, अभी ज़्यादा नहीं चमक रहा, अब कम चमक रहा है, और इसकी जो चमक है वो कम होने लगी है, लाइट भी इसमें साफ नज़र नहीं आ रही है। जब तक ये सूखेगा तो ये लगभग पूरी तरह से मैट हो जाएगा, उसके बाद फिर हम इसकी सैंडिंग बफिंग करेंगे, जो सैंडिंग करेंगे उससे चमक उठेगी, और फिर बफिंग कर देंगे तो चमक निकल के बाहर आएगी, जो बहुत अच्छे से चमक रहा होगा ये। अब मैं इसकी सैंडिंग और बफिंग आपको करके दिखाऊंगा कि इसकी सैंडिंग और बफिंग कैसे की जाती है, कैसे होती है। ये काफ़ी हद तक हमारा ये सूख चुका है, अब मैं 2 दिन बाद इसकी सैंडिंग बफिंग करूँगा। अभी ये देखिए, अगर आप देखेंगे तो अभी ये बिल्कुल ही लगभग ड्राई हो चुका है, मैट फिनिश हो चुका है, लेकिन कितना अजीब सा लग रहा है, कितना बेकार सा, वो आपको समझ में आ रहा है, सूखने के बाद ये इस तरह से बेकार सा लगता है, ड्राई होने के बाद बड़ा बेकार सा गंदा सा लगता है, लेकिन ये जब इसकी सैंडिंग बफिंग हो जाती है तब ये बहुत ही अच्छा लुक देता है। अगर आप देख रहे हैं तो जो इसमें हमने मेटल की स्टिक लगाई है वो भी क्लीन है, साफ़ है, बहुत अच्छी से वो नज़र आ रही है, और जब सैंडिंग बफिंग कर देंगे तो वो ज़बरदस्त उसके अंदर चमक आ जाएगी, शीन आ जाएगी, और बहुत ही अच्छा आपको देखने में लगेगा। मैं ये वीडियो चाहता था कि डिटेल में आपको समझाऊं, लेकिन बहुत बड़ी वीडियो हो गई है, 27-28 मिनट की हो गई है, तो इतनी बड़ी वीडियो को शायद आप लोग ना भी देख पाएँ, तो इस वजह से मैंने इतनी और ज़्यादा इसको डिटेल में नहीं बनाया। इसमें बहुत सारी डिटेल्स हैं जो मैंने छोड़ दी हैं, छोड़नी पड़ी मुझे, नेक्स्ट किसी वीडियो में कवर करूँगा और आपको दिखाऊँगा कि ये किस तरह से इसकी डिटेल का हमें ध्यान रखना होता है। सेंडिंग करने के बाद हम करेंगे बफिंग। तो जो मैं यहाँ पर हम लोग करने लगे हैं बफिंग, बफिंग ये 220 नंबर से हम बफिंग कर रहे हैं और मशीन चला रहे हैं। आप चाहें तो आप हाथ से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर इतने बड़े ऑब्जेक्ट पे आप हाथ से करेंगे बफिंग तो बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब हो जाएगी। देखिए किस तरह से इसका पाउडर उड़ रहा है, ये सारा आपके लंग्स में जाता है, सब नाक मुंह सब में जाता है, तो इसको आपको कवर करके ही सैंडिंग करनी है, कितना ज़्यादा पाउडर उड़ रहा है। हमने इस तरह से सैंडिंग कर ली है इसकी। सैंडिंग करने के बाद हम करेंगे बफिंग। बफिंग में आप जानते हैं बफिंग पेस्ट भी आप यूज़ कर सकते हैं, और पाई की जो क्रीम आती है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, कोई भी आप जो चाहे जो आपको ठीक लगती हो सूटेबल हो वो यूज़ कर सकते हैं। बस बफिंग पेस्ट में ये है कि 2 बार लगाना पड़ता है, पाई की क्रीम 2 आती है, दोनों दो दो बार लगानी पड़ती है, तो उनकी चमक अच्छी आती है, लेकिन पाई की क्रीम भी अच्छी है, आइका का पेस्ट भी अच्छा है। तो इस तरह से हमने क्रीम लगा के इसके ऊपर ये हम बफिंग कर रहे हैं। बफिंग ऐसी, बफिंग के बाद आप देखना, इसके सैंडिंग के बाद ही इसमें चमक आनी शुरू हो गई थी, हमारी फ़ोटो इसमें नज़र आने लगी थी, जो सैंडिंग आपने पीछे देखी। मैं सारी सैंडिंग तो आपको नहीं दिखाई है मैंने, क्योंकि वो टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता, आपको मैंने उतनी सैंडिंग दिखाई है
आपको मैंने उतनी सैंडिंग दिखाई है जितनी आपको नीड थी। ये देखिए इसमें इस तरह से चमक आने लगी है। अभी मैं फ़ाइनल करके भी आपको दिखाऊंगा कि ये कैसा लगता है फाइनल में। आप सैंडिंग करने के बाद और बफिंग करने के बाद आपको ये कुछ इस तरह का नज़र आएगा जैसा आप देख रहे हैं। इसमें इतनी शीन है कि ऊपर का जो भी हमारा तामझाम है ऊपर का वो सब नज़र आ रहा है और लाइट्स भी इसमें नज़र आ रही है। ये देखिए इस तरह से आपको बफिंग करनी है। बहुत ही बढ़िया लुक इसकी आती है। जितना भी आप इसके अंदर देख रहे हैं वो सब ऊपर सीलिंग का एरिया है, जो सीलिंग का आपको नज़र आ रहा है लाइट वगैरह वो सब सीलिंग पे है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर से पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।